नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे के दिन कहाँ कामकाज कर सकते हैं, और जो मंडे को सेशन रहने वाला है वो पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा आपके आज के जो संडे के जो भी यानी कि आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखें तो उसके सीजन के ऊपर ही मार्केट रहना है, उसी के आसपास उसी को देख के मार्केट आपको दिशा देगा। बाकी टॉप पे है क्या प्रिडिक्शन करके गए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 19,20,156 20,156 या 60 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे, और अगर किसी ने किया होगा तो आपको 20,222 ये वाले टारगेट तो मैंने दिए ही थे। 20,222 के टारगेट अपन देके गए थे और मार्केट ने आपको यहाँ पे शानदार एक नीचे की साइड में टेलीग्राम में भी बाकायदा अपडेट कर दिया था दोस्तों कि भैया हम 170 के आसपास तक अगर डिप देता है तो डेफिनेटली हम बाय की साइड में रहेंगे। और ऊपर के टारगेट देखो नए हाई तक का बोल के गया था, वहां पे अगर आप देखो तो नए हाई के आसपास हमने एक शॉर्ट भी करवाई, लेकिन जैसे ये वाली कैंडल थी यहाँ पे हमने शॉर्ट करवाई और यहाँ से ही SL हमारा हिट हो गया, और यहाँ पे भी अगर किसी ने बाय किया होगा तो भी यानी कि शानदार पैसा बना है। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स ये ही करते आ रहे थे, और ये क्यों कर रहे थे इसका रीजन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो हमने बताया था कि भैया मार्केट एक ऊपर देता है फिर एक डिप देगा देन एक फर्दर आपको इस तरह से हाई देगा, और ये जो क्रॉसओवर है ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम नए हाईज की तरफ देखेंगे, और कल अगर आप देखो तो डेफिनेटली आपके नए हाईज लगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करने की प्लानिंग करी थी पैटर्न जान लेते हैं। तो मार्केट में क्लियरली जैसे ही हमने कहा था कि इसके जो ये हाई निकालता है ये वाला हाई निकालेगा तो हम बाय करेंगे, और अगर इसके हाई निकले के बाद में अगर किसी ने बाय किया हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूव, लेकिन एक फिर बाद में क्या किया मार्केट ने एक साइडवेज रहा। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर देखें तो इग्नोरेबल था। तो अब मंडे को पूरा का पूरा सेशन आपका इसी बेस पे रहना है कि भैया मार्केट के जो रिजल्ट्स हैं ये आए, लेकिन वॉलेटिलिटी आपको शानदार दिखेगी। अब अगर आप वनडे के चार्ट में निफ्टी का देखते हो तो ये पूरी की पूरी एक ट्रेंड लाइन जो है कंटिन्यूअसली इसी से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, लेकिन नीचे की साइड आया ना तो इतना नहीं आया, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ लेकिन थोड़ा सा आके रह गया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, अब मे बी यहाँ से रिजेक्ट होके यहीं के आसपास, और फिर फर्दर आपको करीबन अगर आप देखते हो तो ये वाला जो पॉइंट है करीबन आप दिखाऊंगा आपको तो ये वाला पॉइंट आ रहा है 20,514, तो मे बी आपको 20,514 कल के कल दिख सकता है या फिर एक दो दिन के अंदर दिख सकता है। तो 20,514 के लिए तैयार हो जाना दोस्तों। अब आप में है कितना आप गेन करते हैं, तो वीकली एनालिसिस इसका देख लेते हैं किस तरह से पैटर्न बन रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बुल रन है, कैंडल्स अगर आप देखते हो वीकली के अंदर हर कैंडल के अंदर डेफिनेटली एक शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये कंटिन्यूअसली एक अप मूवमेंट है। ठीक है, और ये वाली जो लेवल थी ये प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर मार्केट ने इवन सस्टेन किया है, क्लोज भी किया है, तो डेफिनेटली आपको मतलब 200 मूव की अगर संडे को नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बीजेपी सीट्स आ गई, बीजेपी स्टेट्स के अंदर मतलब स्टेट्स में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो डेफिनेटली आपको एक शानदार अप मूवमेंट आप इसके अंदर देखोगे। लेकिन अगर आप देखते हो दोस्तों तो वीक के अंदर एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, प्राइज एक्शन नहीं बना। प्राइज एक्शन जो चीज होती है वो बहुत जरूरी होती है, तो मे बी ये अगर यहीं से रिजेक्ट हो गए और एक बड़ी रेड कैंडल अगर आपके सामने खड़ी कर देता है तो ये भी एक रिस्क हो जाएगी। तो कल आपको दोनों तरफ के मूव मिल सकते हैं, लेकिन ट्रैप मत होना मैं क्लियरली कहता हूं, और एक लिमिटेड SL रख के ही यानी कि ट्रेड करना। तो देख लो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो तीन ग्रीन कैंडल बनी ठीक है कोई इश्यू नहीं है, एक रेड कैंडल भी बननी चाहिए, प्राइस एक्शन चलता है ये इस तरह से चले कोई दिक्कत नहीं है। वनडे के ऊपर शानदार प्राइस एक्शन है, लेकिन वीकली अगर देखते हैं तो एक थोड़ा सा डराने वाली स्थिति है। कभी भी अगर एक रेड कैंडल अगर वीक के अंदर बनती है तो ये एक रेड कैंडल नियरली अगर इस साइज की बन गई तो ये यहाँ तक मतलब कहाँ आपके इस पॉइंट तक आ गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया करीबन 19,870 का, तो मे भी एक बराबर बन सकती है, लेकिन देखना है ऊपर की साइड निकलेगा तो डेफिनेटली हम बाय की पोजिशन में ही बैठेंगे। तो ओवरऑल है ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली अगर 200 20,200 300 का लेवल अगर निकालता है तो डेफिनेटली
कम क्वांटिटी में लेस क्वांटिटी का ध्यान रखना, लेस क्वांटिटी के अंदर बैठना है। उसका रीजन क्या है, आप ऊपर के लेवल से कभी भी ट्रैप हो सकते हो। अगर आप ट्रैप होना चाहते हो तो बड़ी क्वांटिटी में घुसो, लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी में अगर आप घुसोगे तो आपके लॉस कम लगेगा। ठीक है, तो अब डेफिनेटली 20,300 के ऊपर, 20,300 के ऊपर की साइड में हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे। एसएल फिर रखेंगे हमारा 20,250। अगर कोई रख सकता है तो ही एंट्री करना 50 पॉइंट का, और ऊपर में टारगेट आपके 20,390 और 20,430, ये दो टारगेट है, बड़े टारगेट है। लेकिन अब प्रीमियम अगर नहीं पड़ा तो फिर आपके ओवरऑल लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो प्रीमियम भी पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करें। अब सिचुएशन नीचे की साइड देखो, अभी हाल फिलहाल अपनी पोजीशन बनती नहीं है, लेकिन हाँ एक 20,150 का जो लेवल है इसके पास में, अगर यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, लेकिन चांसेस आपके गैप अप के हैं। एचडीएक्स निफ्टी ऊपर की साइड दिखा रहा है, मे भी एक छोटा मोटा फ्लैट गैप अप हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ ही व्यू रखना है। जब ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो, देखो नीचे के लेवल से 19,000, 18,800 के लेवल से मैंने क्लियरली कह दिया था कि ये अब बॉटम बन गया है, और वहां से अगर देखोगे तो आप एग्जैक्ट बॉटम बन के कंटिन्यूअसली, अगर 1 महीने का या 2 महीने का, 1 महीने के अंदर अगर आप देखो तो करीबन करीबन 1,200-1,500 पॉइंट के आसपास आपको निफ्टी ने दिए हैं, तो बाय की पोजीशन में रहेंगे। गैप डाउन भी अगर इन केस किसी कारण से होता है तो 20,150 के आसपास मिलेगा, तो डेफिनेटली हम बाय की पोजीशन में ही बैठेंगे। और 20,150 का लेवल अगर ब्रेक करेगा, लेकिन एक दिन के अंदर मेरे हिसाब से कोई सेलिंग का प्लान न करें, और करें तो फिर लेस क्वांटिटी में इसी लेवल के नीचे। बड़ा गैप अप है तो एक डिप दे दे, फिर हम बाय की साइड में बैठेंगे। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का तो मैंने क्लियरली भैया आप लोगों को कह के गया था कि 1,000 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, वीडियो पड़ा है और वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब ये वाला लेवल कहाँ है, 42,000 का लेवल, ठीक है। ये हाइट कितनी है, 44,000, 400 400 पॉइंट को भी मैं छोड़ देता हूँ, तो करीबन 2,400 पॉइंट थे, ठीक है, 2,400 पॉइंट है। तो 2,400 पॉइंट अगर ये वाला लेवल, ये वाली हाइट है, और अब यहां से अगर आप काउंट करते हो तो कितने पॉइंट अभी तक हो गए, तो लो अगर देखते हो तो 43,200, तो 43,200 से लेकर 44,945,000, तो 43,200 से लेकर 45,000 का ये वाला करीबन हो गया, तो 44,000 के मतलब 1,000 पॉइंट का आपको अब मूवमेंट मिल गया। और अभी देखोगे तो ये वाला पॉइंट आपके लिए 46,400 कोई दूर नहीं है, एक प्राइस एक्शन है, ये वाला सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहां से एक बड़ी गिरावट दी थी इसने। अब यहाँ पे एक रुक के, या तो इसको एक प्रॉपर 1-2 दिन यहाँ पे रुक के फिर फ्रेश ब्रेकआउट दे, ठीक है ना, तो फिर शानदार आपको ऊपर की साइड में। और मैंने भी कल भी यानी कि यहाँ पे क्या सेलिंग के लिए बता के गया था बैंक निफ्टी में, भाई इस पॉइंट पे अगर मिलेगा, एक रिजेक्शन मिलता है, बाय की पोजिशन हमारी ओनली कहाँ रहेगी, इसके ऊपर अगर किसी ने बाय किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिला है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। रिजेक्शन कैंडल कहीं दिखी आपको आपके आसपास, नहीं दिखी, मैंने बाकायदा टेलीग्राम में भी लिखा था कि बैंक निफ्टी फ्रेश ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो और जो हमारी निफ्टी की शॉर्ट की पोजीशन थी, एग्जिट कर दो, क्यों, क्योंकि वो उसको भी भगाएगा। और वास्तव में अगर किसी ने लिए हो तो करीबन 200-300 पॉइंट, यानी कि ये 700 के आसपास था, 750 से करीबन 46,950, 44,950 के आसपास तक गया, तो 200 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट मिले। लेकिन फिर उसके बाद में क्या है कि कंसोलिडेशन, टाइम पास क्यों भैया, आज संडे का इंतजार करना है ना इसको, इस वजह से। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो एक शानदार रेजिस्टेंस है ये वाला, जो अब मे भी 44,720 का, अब यहाँ पे हो सकता है एक सपोर्ट का काम करे, या जो एक रेंज है, मतलब बैंक निफ्टी की मैं बता दूं आपको क्लियरली, 44,950 से लेकर 44,750 या 600, ये वाली एक रेंज है, तो ये रेंज के अंदर सेलिंग रेंज है। अगर इसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट देता है, मतलब 44,950 के आसपास, तो फिर आप डेफिनेटली एक इस पॉइंट के लिए, मतलब 45,100, फिर करीबन ये आ जाएगा 45,400, और फिर आपका आ जाएगा 45,600, और फिर आ जाएगा आपका 46,000 से 46,200। तो ये कंटिन्यूअसली ये लाइन सिटी खींचे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग हिस्टोरिकल लाइन ये होता
हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, ये आपके रेजिस्टेंस के हैं, मतलब टारगेट भी हैं। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि अगर आप उसके ऊपर बैठ रहे हो तो ये टारगेट का भी काम करेंगे। तो ओवरऑल फ्रेश बाइंग, देखो फ्रेश बाइंग हमारी डेफिनेटली इसके ऊपर मतलब 43,950 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो एक डिप मिल जाए 44,900 का, फिर हम एसएल रख लेंगे 44,950 तक मिल जाए, और फिर फ्रेश जो प्राइस एक्शन, दोस्तों देखो यहाँ रुका, रुक के इसने फ्रेश जो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया और एक प्राइस एक्शन बना के निकला ना, तो फिर बाय के लिए बैठ सकते हो। आपको एक प्रॉपर एक एसएल मिल गया, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी है वो उतना मिल गया, ये बहुत होता है। 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में इतना एसएल लगा के आप रिस्क तो ले सकते हो, और अगर एसएल नहीं है एंट्री ऐसे ही कर ली तो बड़े बड़े क्या है कि एसएल हिट हो जाते हैं, आप मतलब एक ट्रेड के अंदर चलते ही लॉस में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को तो उसी हिसाब से चलना है, आपके हिसाब से नहीं चलना, लेकिन आपकी क्या है कि प्रॉपर एंट्री नहीं हो पाती। अगर कंसिस्टेंसली अगर इसके ऊपर बैठ के ट्रेड करते हो तो ये फायदेमंद चीज है। प्लस 9 एंड 5 ईएमए हमारा जो है वो मैंने बता ही रखा है, वहां पे स्कैल्पिंग के हिसाब से बढ़िया ट्रेड कर सकते हो। तो इसका वीकली एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। कंटिन्यूअसली इसने शानदार एक यहाँ पे देखो लाइन चार्ट से समझो एक प्रॉपर यानी कि एक हायर हाइज बनाते हैं ना, जो हायर हाइज, तो एक ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक मे बी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसका परफेक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी इस तरह से हायर हाई बनाता हुआ आपको दिसंबर लास्ट तक, ज्यादा भी नहीं कह रहा मैं, दिसंबर लास्ट तक अगर आप देखते हो तो आज मतलब आप प्रीवियस हाई जो बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर देखें ब्रेक किया है तो आपको ये भी जल्दी ही ब्रेक करके दिखा देगा। तो फ्रेश बाइंग हमारी 43,000, चाहे मार्केट गैप अप खुलेगा 44 मतलब 45,000 के आसपास, और अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो फिर सेल की पोजीशन में, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके हायर हाई का प्राइस एक्शन बनाता है तो बाय की साइड में 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट की रैली अगर बीजेपी सरकार आ गई तो आपको मिलेगी, और हो सकता है ये करीबन दो गुना भी हो जाए ये रैली। तो थोड़ा सा केयरफुली लेकिन ओवर बायस मत होना कि भैया बैठ गए हम तो बीजेपी सरकार भी आ गई मार्केट नहीं चल रहा, तो वो चीज भी मत करना, ठीक है ना। तो और सेल की पोजीशन 44,600 के नीचे, 44,600 के नीचे जैसे ही जाता है इमीडिएटली सेल की प्लान, नीचे में कहां तक 44,300 44,400 ये वाली ट्रेड है, और इसी तरह सिंपल। और गैप अप के अंदर एक डिप मिल जाएगी तो बाय की साइड में बैठेंगे, गैप डाउन में एक इस 44,600 मतलब 44,650 के आसपास तक हम बाय की साइड में ही है। और टेलीग्राम में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लस लाइक जरूर करें, थैंक यू।